सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कल कोरोना के 34 मामले कोरोना संक्रमण के थे। बढ़ती संख्या के कारण अब स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित नजर आ रहा है। उन्होंने जिला वासियों को सावधानी रखने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल की माने तो जिला के कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है, जिसे केवल जिला वासियों के सहयोग और जागरूकता से ही काबू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण BVN क्षेत्र में अपने पांव पसार रहा है। अगर अभी भी वहां के लोग नियमों की पालना नहीं करेंगे तो ये संक्रमण और भी बढ़ सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जिला के कुछ क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों में ही रहें और अगर बेहद जरूरी है तो ही वे अपने घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि जो नियम स्वास्थ्य विभाग बता रहा है उसका पालन करें। अगर हम नियमों की पालना करेंगे तो ही हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। यहाँ से सोलन में 34 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 24 हमारे बद्दी ब्रोटी वाला नालागढ़ एरिया के हैं और 2 कसौली के हैं, 3 परमाणु के हैं और बाकी 5 जो है हमारे सोलन प्रॉपर। सर कहाँ कहाँ से ये संबंध रखते थे, क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री? ट्रैवल हिस्ट्री कुछ तो हमारे क्वारंटाइन में ही थे, जो कि इंटरस्टेट ट्रैवल हिस्ट्री है और इसमें 8-10 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे रैंडम सैंपल्स में पॉजिटिव आए। कहना तो हमारा शुरू से एक ही है कि अपना घर के अंदर ही रहिए, अनावश्यक काम में बाहर मत निकलिए और जब बाहर जाना हो तो मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और अपने हाथ दिन में 2-3 बार जरूर धोइए। सर ये जो मामले 34 आए हैं देखने में, सर क्या इनमें से कोई कम्युनिटी स्प्रेड भी हुआ? अब जो हमारे रैंडम सैंपलिंग है उसको देख के तो लगता है कि कुछ कम्युनिटी में मामले आए। सर जैसे कि तेजी से मामले आ रहे हैं, क्या मानते हैं सर अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं? तेजी से नहीं, ये तो डिटेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है तो उस वजह से मामले थोड़े उजागर हुए हैं। ये ट्रांजिएंट फेज है, इसके बाद ठीक हो जाएगा।